नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। आज से वर्डप्रेस का फुल ट्यूटोरियल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मैनुअली इंस्टॉलेशन की जाएगी, और इंस्टॉलेशन के बाद से थीम कस्टमाइजेशन, थीम क्रिएटिंग, प्लगइन कस्टमाइजेशन, ये सब हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो वर्डप्रेस हुक्स का भी हम अच्छा खासा नॉलेज गेन करेंगे यहाँ पर। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस है, और मैं इसको आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैनुअली इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे कि हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हमें सर्वर आ जाता है, डायरेक्ट सर्वर अपना डोमेन होस्ट करके दे देते हैं, तो हमें किस तरीके से यहाँ पर होस्टिंग करनी पड़ती है, किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस के लिए। ये सब मैनुअल किया जा रहा है, कोई भी ऑटोमेटिक कोई ऐप से नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसमें मेरा सब डोमेन या डोमेन मैं पार्क कर चुका हूँ, होस्टेड है इस सर्वर पे। तो सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, वर्डप्रेस इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, तो आइए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद एक यूजर क्रिएट करना होता है, जो हम यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहे तो नेम सेम दे सकते हैं, पासवर्ड जो आपका दिल करे वो आप रख सकते हैं, स्ट्रांग पासवर्ड रखिएगा। और जो डेटाबेस बना और जो यूज़र बना, अब इस यूज़र को इस डेटाबेस के लिए असाइन किया जाएगा। ये मेरे डेटाबेस का नेम है और ये मेरे यूज़र का नेम है और ये मेरे डेटाबेस का नेम है। तो ये हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं और सारी की सारी प्रिविलेजेस हम इसको दे देंगे। और यहाँ पे मेक चेंजेस, तो ये मेरा यूजर नेम है। तो ये अब हम क्या करेंगे वर्डप्रेस का सेटअप, नया न्यू वर्जन हम डाउनलोड कर लेंगे wordpress.org से, 4.9.6 इट्स द लेटेस्ट वर्जन। अब हम जाएंगे अपनी होम डायरेक्टरी पे, जहाँ पे ये फाइल्स रन होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने FTP पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर एक अंकुश नाम से एक फोल्डर बनाया है, और अब इसमें हम इस वर्डप्रेस के सेटअप को अपलोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको गो करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इन्होंने टेस्टिंग फाइल यहाँ पे क्रिएट करी थी। तो अब हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको फिर से गो करेंगे, हमें हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर, वर्डप्रेस का सेटअप एक्सट्रैक्टेड दिख जाएगा। अब इस फोल्डर में हम फर्स्ट फोल्डर प्लस शिफ्ट दबाएंगे और लास्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम राइट क्लिक करके उनको मूव करेंगे रूट डायरेक्टरी पे, मीन्स कि हम जो वर्डप्रेस का फोल्डर था उसको हटा करके हम इसको इसकी रूट डायरेक्टरी पे मूव कर देंगे और इस वर्डप्रेस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से रन करते हैं। तो
देखिए दोस्तों, यहाँ से वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट हो गया है। तो जो अब हमारा यहाँ पे यूजर नेम, जो डेटाबेस का नेम है, डीपी नेम ये रहेगा, और पासवर्ड जो मैंने दिया था, और ये हमारा यूजर नेम मैंने रखा था यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आ गई। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट रहता है और ये टेबल प्रीफिक्स रहते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में बाद में, धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। आप तो आइए रन करते हैं इंस्टॉलेशन। इसके बाद हम टाइटल अपना सेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्डप्रेस मैनुअल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा वर्डप्रेस बेसिक इंस्टॉलेशन, मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम थीम पे काम करेंगे, थीम क्रिएट करेंगे। और बीच बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे काम करने के दौरान आती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं फिक्स करने के लिए, उन सबको हम धीरे धीरे मैं आपसे शेयर करता चलूँगा, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके आपका भी नॉलेज मैं बढ़ाऊँ। जो मुझे आता है, जो मेरा स्किल है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा हर एक चीज़। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।